Hi everyone, my name is Reema and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And in today's session, we'll be understanding what are pricing strategies. So, ये सबसे पहले कि कितने तरह की pricing strategies आज हम क्लास में कवर करेंगे. Approximately 21 या 22 तरह की pricing strategies. अब आप अपने आप को एक businessman, एक producer के form में रखिए. आप ये सोचिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बनाते हैं, कोई सर्विस डिलीवर करते हैं, ऐसे सोचना कि उनको डिलीवर करने से पहले उसका आप एक प्राइस सेट करते हैं. और प्राइस ऐसे ही सेट नहीं हो जाता कि अच्छा मैं नींद से उठा, इसका प्राइस ये होगा, चलो ये उसका प्राइस है. नहीं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी कंसिडरेशंस हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है कि किसी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस का प्राइस सेट किया जाए. आइए सबसे पहले वो समझते हैं, सम जनरल कंसिडरेशंस इन प्राइसिंग. नंबर वन इज मार्केट कंडीशंस, ये पढ़ेंगे. बिजनेस गोल्स क्या होते हैं फर्म्स के, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं. लॉन्ग टर्म वेलफेयर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्ट कॉस्ट, कंज्यूमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, मार्केटिंग मेथड यूज एंड अदर्स. आप घबराइए मत, एक एक करके इनको भी समझेंगे. लेट्स बिगिन विद मार्केट कंडीशंस. अब मार्केट में ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं और जो जो भी कंडीशंस हैं उससे मेरे प्रोडक्ट के प्राइस में कैसे अंतर पड़ता है वो जानते हैं. जोल डीन हैज स्पेसिफाइड वेरियस कंसिडरेशंस अबाउट मार्केट कंडीशंस ऑन प्राइस. सबसे पहला है, रुकिए, आई हाईलाइट दीज पॉइंट्स. डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इसको समझो कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं टी, और आपका सब्स्टिट्यूट है मार्केट में, आपका कंपेटिटर सेल कर रहा है कॉफ़ी. अगर ऐसे प्रोडक्ट है ना जिसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कंज्यूमर के पास चॉइस रहती है हमेशा, अगर आपने अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया तो मैं दूसरे में शिफ्ट कर जाऊँगा, कंज्यूमर ऐसे बोलता है. अगर ये केस है ना तो कोशिश करिएगा कि प्राइस कम से कम रखना, ठीक है. लाइकलीहुड ऑफ पोटेंशियल कंपेटिटर्स, अगर आसानी से एंट्री और एग्जिट है, कोई बैरियर नहीं है, तब भी प्राइस बहुत सोच समझ के रखना. बहुत हाई प्राइस रख दोगे तो आपका कंज्यूमर भाग जाएगा दूसरे कंपेटिटर के पास. चांसेस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा क्या आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. इस डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब है कि एक कंज्यूमर से एक प्राइस चार्ज करना और दूसरे से दूसरा प्राइस चार्ज करना अलग अलग. अगर ऐसा है कर सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन है तो वो भी कर सकते हैं हम, ठीक है. डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर आपका प्रोडक्ट ही अलग अलग है तो अलग अलग प्रोडक्ट का भी अलग अलग प्राइस होगा, राइट. डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, अब ये पॉइंट ना ध्यान से समझना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये पॉइंट आपको खुद ही आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ. क्रॉस इलास्टिसिटी का ये मतलब है, जैसे दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपका प्रोडक्ट है और ये कंपेटिटर का प्रोडक्ट है, राइट. अब ना क्या होता है, अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दूंगा तो जो कंज्यूमर है ना वो इसमें भाग जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट के पास चला जाएगा. ये होती है हाई क्रॉस इलास्टिसिटी. जब आपकी हाई क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, कोशिश करना कि आप अपना प्राइस कम रखना, एंड वाइस वर्सा, राइट. स्टेज ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपका कंज्यूमर नया है तो बहुत ज्यादा प्राइस मत चार्ज कर लेना उसे, राइट. लेकिन अगर आपका कंज्यूमर लॉयल हो गया है आपके प्रोडक्ट की तरफ, अब वो कहीं नहीं जाएगा, फिर हाँ आप थोड़ा सा प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, ऑलराइट. व्हाट आर माय बिजनेस गोल्स, अब आपके बिजनेस का गोल क्या है, किस लिए बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, क्या वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, अगर वो है तो ज्यादा प्राइजेस चार्ज करना. अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो लो प्राइस चार्ज करना, सो दैट सेल्स बढ़े. अब सेल्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट, ऑलराइट. लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द फर्म, फर्म्स में सीक टू डिस्करेज द एंट्री ऑफ राइवल्स. अब ये देखो चलाकियां, अब एक पुरानी फर्म है ना, काफ़ी टाइम से चली आ रही है, अब उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज है, मतलब वो अपने ना कॉस्ट उसकी बहुत कम होती है, तो वो ना अपना प्राइस भी कम कर सकती है, उसके पास बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. लेकिन जब पुरानी ऑर्गेनाइजेशन या पुरानी फर्म प्राइस कम करती है ना, तो जो न्यू राइवल आता है ना मार्केट में, उसके लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अब कंज्यूमर लो प्राइस के पास जाएगा, राइट. और नए कंज्यूमर, जो नया सॉरी नया कंपेटिटर है, उससे कोई सामान नहीं लेगा. लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द फर्म. फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइसिंग पॉलिसीज मस्ट बी फ्लेक्सिबल.
जो प्राइस आप सेट कर रहे हो ना उसमें इतना मार्जिन होना चाहिए कि आप बढ़ा भी दो और कम भी कर दो टू मीट द चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर देखो डिमांड बहुत कम हो गई उस केस में आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, तो उतना मार्जिन आपके प्राइस में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट कॉस्ट। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो 8 रुपए का थोड़ी बेचोगे उसको, कॉस्ट बिल्कुल कवर होनी चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन लगा के आप प्रोडक्ट का प्राइस रखिए। ठीक है, अब कॉस्ट कौन से तरह की हो सकती है? या तो फिक्स्ड हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। अब कंज्यूमर बहुत डिमांड करता है और उसको आपके प्रोडक्ट से बहुत यूटिलिटी मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो प्राइस ज़्यादा करना, अदरवाइज प्राइस कम चार्ज करना। ठीक है, देखो इलास्टिक है डिमांड, मतलब इलास्टिक डिमांड का मतलब अगर हल्का सा प्राइस बढ़ाया ना कंज्यूमर भाग जाएगा कंपेटिटर के पास, और कब होगा? जब आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और लेस यूटिलिटी, अच्छा ज़्यादा भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। इलास्टिक है डिमांड और सेटिस्फैक्शन भी कम है, तो प्राइस ना कम होने चाहिए, कंपेटिटिव होने चाहिए। अगर इन इलास्टिक है डिमांड, मतलब सिर्फ आप ही राज करते हो पूरी मार्केट में, कोई कंपटीशन नहीं है और उससे कंज्यूमर को भी बहुत यूटिलिटी मिल रही है, तो आप ज्यादा प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग अहेड, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। अब कभी कभी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसका प्राइस सेट कर देती है। इसकी क्लास ना मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में लेक्चर डाला हुआ है बाय द नेम ऑफ प्राइस स्किमिंग, सॉरी प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां पे गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और प्लस इसका क्वेश्चन भी आ रखा है यूजीसी नेट एग्जाम में। राइट, आगे है मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, नॉट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, टाइप ऑफ पैकिंग, सेल्समैन एम्प्लॉयड, कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज। अगर ये सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की रखी है ना, तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी मतलब प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग मेथड आपने कौन से यूज किए उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस में। अदर कंसिडरेशन भी हो सकती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, अच्छा क्वांटिटी क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की, उतना ज्यादा प्राइस होगा, ठीक है, नहीं तो उतना कम होगा। जिस हिसाब से भी डिस्काउंट देते हैं अपने कंज्यूमर को, अगर वो स्ट्रक्चर भी फॉलो करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट डलता है आपकी प्राइसिंग में। ऑलराइट, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्राइसिंग पॉलिसी के, क्यों करे जाते हैं? सबसे पहले सर्वाइवल, प्राइस तभी सेट करोगे सो दैट रिटर्न आए, सर्वाइव कर सको, सेल्स बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े, आपका टारगेट रिटर्न जो आप चाहते हैं ना कि इस कॉस्ट पे मुझे एटलीस्ट इतना रेट ऑफ रिटर्न तो मिले, तो वो भी आपका है एक ऑब्जेक्टिव। प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिशन, ये सारी हमने चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, सर्विस मोटिव एंड ग्रोथ रेट, तो ये सारे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। अब बात करते हैं मेन प्राइजिंग मेथड्स या प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज की। अब आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में, मैम आपने बोला था 21-22 तरह की होंगी, यहाँ तो हमें सिर्फ 3 बाइफरकेशंस दिख रही हैं। इन बाइफरकेशंस की विद इन बाइफरकेशंस हैं, चलिए आइए आपको दिखाती हूँ कितने मेथड्स हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड्स, इसके विद इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉस्ट ओरिएंटेड के में कितने हैं? 6। ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड मेथड्स में कितने हैं? 3। कितने होंगे टोटल? अब टोटल 9 हो गए। अदर प्राइसिंग मेथड्स में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो टोटल 21 मेथड्स हैं जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और बिल्कुल भी घबराओ मत, ये जितना ज्यादा नंबर आपको दिख रहा है ना, ये उतने ही इजी हैं मेथड्स, ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये मेथड्स बहुत इजी लगने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड्स, इसमें आएगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग एंड अर्ली कैश रिकवरी प्राइसिंग। बिल्कुल भी घबराओ मत, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, जस्ट स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, सबसे पहला आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये नाम से क्या लग रहा है, कॉस्ट है इतनी, ठीक है, मतलब 10 रुपये मेरी कॉस्ट है, प्लस मतलब मैं इसमें कुछ प्लस कर रहा हूँ और इससे मेरा प्राइस आ रहा है, वो प्लस क्या करता हूँ आइए वो देखते हैं।
व्हेन सेटिंग द कॉस्ट प्लस प्राइस, सबसे पहले क्या करते हो, कैलकुलेट द कॉस्ट, वो तो हमने कर लिया। अच्छा 10 रुपए कैलकुलेट कर ली, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है, प्रोडक्शन है, ओवरहेड है सबकी, और उसको टोटल कर देना, ठीक है। टोटल आ गई 10 रुपए। टू दिस टोटल यू एड अ मार्कअप परसेंटेज, दिस इज योर प्रॉफिट मार्जिन। आप चाहते हो ये 10 रुपए में ना मुझे 10% रिटर्न चाहिए, 10%, 10 रुपए का कितना होगा 1 रुपया, तो प्राइस कितना चार्ज होगा 11 रुपए। ये बहुत इजी मेथड है, देखो नाम से ही मुश्किल लग रहा था, है कुछ भी नहीं, कॉस्ट प्लस, अब आपको पता है कॉस्ट इतनी है, प्लस मुझे कुछ टारगेट रिटर्न उसमें ऐड करना है, कुछ मार्कअप ऐड करना है, उससे मेरा प्राइस आ जाएगा। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। सेकंड वन इज मार्कअप प्राइसिंग। द प्रॉफिट मार्जिन इज प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सेल्स। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले था कॉस्ट पे, अब है सेल्स पे। मुझे ना एक बात बताओ, अगर ना 10 रुपए का आप बेच रहे हो, अब ये कॉस्ट नहीं है, आपका सेलिंग प्राइस है 10 रुपया, और इसमें आप 10 रुपए में चाहते हो कि आप, चलो आप ना 10% कमाओ, 10 रुपए का 10% कितना होगा, एक, तो 10 रुपए तो था सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी, एक, तो आपको क्या लगता है कॉस्ट कितनी रही होगी, 10 माइनस 1, 9 रुपया। बिल्कुल ऐसे ही है मेथड, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, ठीक है। ये देखो टोटल कॉस्ट जैसे ना मेरी है 10,000, आप इसमें इसका ना ये फॉर्मूला है, ये बहुत ही इजी है फॉर्मूला, इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छे से समझो। आप टोटल कॉस्ट बोलते हैं कि आपकी 10,000 है, ठीक है, और आप चाहते हो कि रिटर्न ऑन सेल्स आए 25%। अब देखो, या तो मैं आपको इसका लॉन्ग कट मेथड बता देती हूँ, सेल्स मुझे नहीं पता, सेल्स मेरी एक्स है, तो मान लेते हैं 25% ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 25% ऑफ एक्स, एक्स क्या है, सेल्स, टोटल ये सेल का प्राइस आ गया, राइट। अब देखो 10,000 ये हो गया, प्लस 0.25x इज इक्वल्स टू एक्स, अब मैं एक्स निकाल दूं कितना रह गया 0.75x। अब एक्स की वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय 0.75, हाउ मच इज इट कमिंग, 13,333.33, और ये कुछ नहीं है, ये यही है, ठीक है। या तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, या सिंपल ये मेथड यूज यूज कर सकते हैं, द चॉइस इज योर्स, ठीक है। अगला देखिए, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। अब इसमें क्या होगा, प्राइस इज सेट अप बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये है फॉर्मूला, ये हल्का सा मतलब आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, बाकी तो हमने समझे ही, बस एक एक ही है पूरी की पूरी क्लास में जो आपको याद करना है, प्राइस कैसे सेट होगा टारगेट रिटर्न से। सबसे पहले कॉस्ट देखो आपकी कितनी है, उसमें ऐड कर दो डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, एंड डिवाइड द इंटायर थिंग बाय टोटल सेल्स। अब सेल्स रुपीज में नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, किस में लूंगा, यूनिट्स में, ऑलराइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल, कॉस्ट कितनी है 10,000, इन्वेस्टमेंट कितनी है 5 लाख, और उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। तो सबसे पहले 5 लाख का 20% करो, कितना आता है 10,000, ठीक है। टोटल कॉस्ट थी 10,000, 10,000 प्लस 10,000 कितना हुआ 20,000, 20,000 में डिवाइड करोगे, यूनिट्स कितनी है 500, क्या आ रही है प्राइस, क्या आ रहा है 40 रुपया, तो ये प्राइस आप सेट कर दोगे। आपके पास बहुत मेथड्स हैं, बहुत स्ट्रैटेजीज हैं, बस आपको देखना है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, मतलब आप क्या चाहते हो किस हिसाब से प्राइस सेट हो, ठीक है। ये सारी चॉइसेस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, फ्यूचर टू ऑल द फ्यूचर बिजनेस मैन आउट देयर लिसनिंग टू दिस वीडियो, आई एम गिविंग यू चॉइसेस ऑफ सेटिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ऑलराइट। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये शब्द सबसे ज्यादा पढ़ा होगा, मार्जिनल मीन्स एडिशनल, ठीक है। इन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एन आउटपुट। अब मैंने एक यूनिट तो बना दी, ठीक है, उसका आ रहा था जितनी भी कॉस्ट थी, चलो उसके अगली यूनिट जो मैंने बनाई ना, उस यूनिट को बनाने की जो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है ना, ये होता है आपका प्राइस, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट वन इज अर्ली कैश रिकवरी प्राइसिंग। अर्ली कैश रिकवरी मतलब आपको नहीं लग रहा कि मैं कोई भी, मैं अगर मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मैं अर्ली कैसे रिकवर करूंगा सारा प्राइस, अगर मैंने ना 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है
तो मैं ऐसा क्या प्राइस चार्ज करूंगा कि मुझे जल्दी से जल्दी रिकवर होगी? ऑब्वियसली हाई प्राइस चार्ज करोगे, है ना? यही आ रहा है ना माइंड में? ये आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो समझो, प्रोडक्ट्स विद अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। अब ये प्रोडक्ट जो इस मेथड में फॉल करता है, ये पेरिशेबल होते हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। पेरिशेबल भी हो सकते हैं या सेमी ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। अब इनको है कि इनमें जो आपने कॉस्ट लगाई है इतनी ज्यादा, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, तो यहाँ ये मेथड फॉलो होगा। इट इज क्वाइट सिमिलर टू टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, बट टारगेट रिटर्न में हम कुछ परसेंटेज करते थे कि हाँ ये इतना रिटर्न होना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं परसेंटेज यहाँ ज्यादा लगाऊंगा। ठीक है, आगे देखो। ब्रेक इवन प्राइसिंग, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, द सेलिंग प्राइस शुड बी या तो इक्वल हो, मतलब ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, या तो उतना हो प्राइस या उससे ज्यादा हो, मोर देन ब्रेक इवन प्राइस। राइट, आगे देखो। एग्जाम्पल है, सेल्स है आपकी 500 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट है 300, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 2 लाख की। तो ब्रेक इवन लिमिट कैसे आती है? क्या हमने फॉर्मूला याद किया है? क्या हमने समझा है ये कॉस्ट में? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन गिव्स अस द ब्रेक इवन लिमिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 500 माइनस 300 कितना आता है? 200। ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे ब्रेक इवन लिमिट पता चल गई 1000। मतलब ये लिमिट है, या तो मैं इतना बेचूं, अगर मैं 1000 यूनिट्स बेचूंगा ना और 500 रुपए में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट चाहिए, चाहिए प्रॉफिट, तो इनसे ज्यादा बेचो। द बिजनेस शुड सेल बियॉन्ड 1000 यूनिट्स और अबव ₹500 टू अर्न प्रॉफिट्स। अगर इतना 500 में ही बेचोगे, 1000 बेचोगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगी, लेकिन अगर इससे कम बेचोगे तो लॉस हो जाएगा आपको। तो वो चीज हमने अवॉइड करनी है। ओके, कॉस्ट वाले सारे मेथड्स हो गए, ठीक है। अब बारी आती है मार्केट ओरिएंटेड मेथड्स की। सबसे पहला आता है गोइंग रेट मेथड, सील्ड बिड प्राइसिंग मेथड और कंज्यूमर ओरिएंटेड मेथड। एक ही स्लाइड में सारे मेथड्स है, बहुत इजी है। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या बोलती है? द फर्म एक्ट्स लाइक प्राइस टेकर। गोइंग रेट मतलब जो रेट चल रहा है, ठीक है, मार्केट में जो रेट चल रहा है, ठीक है, मैं भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसी प्राइस पे सेट कर देता हूँ, लो छुट्टी, और कुछ नहीं है। आप यहाँ प्राइस टेकर हो, ठीक है, एक लीडर होगा मार्केट में। अगर वो प्राइस कम करता है, आप भी कम कर दो, वो बढ़ाता है आप भी बढ़ा दो, मतलब यू आर जस्ट फॉलोइंग इन गोइंग रेट प्राइसिंग, ठीक है, यू आर जस्ट अ फॉलोअर। सील्ड बिड प्राइसिंग, अच्छा आपने देखा है कि जो टेंडर्स होते हैं वहां बिडिंग होती है, जो सबसे लोएस्ट बिड होती है उसको टेंडर मिल जाता है, आपने सुना है? ये अक्सर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में होता है, तो वहां होती है सील्ड बिड प्राइसिंग, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेड प्राइसिंग, अच्छा कंज्यूमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की क्या छवि है? क्या वो आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मानता है? अगर अच्छा मानता है तो ज्यादा प्राइस चार्ज करो, अगर बहुत कम अच्छा मानता है तो उस अकॉर्डिंग आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आती है अदर प्राइसिंग मेथड्स। देखो अब ये है, ये मतलब सिलेबस में भी मेंशन है, प्राइस स्कीमिंग, मार्केट पेनिट्रेशन लिमिट, इसको लिमिट प्राइसिंग भी बोलते हैं, पीक लोड प्राइसिंग, ये आपके सिलेबस में मेंशन है इकोनॉमिक्स के। राइट, बंडल प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है, इंटरनेट प्राइसिंग के भी अदर 3 डिविजन्स हैं, ज्योग्राफिक प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग एंड एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग। बहुत ईजी है, जैसे पहले मेथड्स ईजी हैं वैसे ये भी ईजी है। मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग, इससे ना बेसिक क्वेश्चन आता है हमेशा कि मार्केट स्किमिंग क्या है? जब इंट्रोडक्टरी प्राइस है ना, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, आपने ये प्रोडक्ट बनाया और जैसे ही ये लॉन्च किया आपने मार्केट में, इसका बहुत ज्यादा प्राइस था। एग्जांपल दो मुझे इस चीज का, एप्पल, उनके जो फोन्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं, उनका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है कितना ज्यादा होता है ना? तो देखो उसको बोलते हैं प्राइस, सॉरी मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग। अ हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस इज चार्ज फॉर एन इनोवेटिव प्रोडक्ट। अब ऐसा प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं है, तो आपके पास चांस है इसको ज्यादा प्राइस में बेच के ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का, क्योंकि अगर किसी और ने भी वो प्रोडक्ट बना लिया, फिर आप ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि वो है कॉम्पिटिशन में।
पहले ज्यादा कर लिया एंड लेटर ऑन प्राइस इज रिड्यूस्ड व्हेन मोर मार्केटर्स एंटर द मार्केट विद सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. एग्जाम्पल है एप्पल प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन्स. अपने चार कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए बिफोर चार्जिंग हाई प्राइजेस. सबसे पहले आपका प्रोडक्ट एक अलग होना चाहिए, वैसा प्रोडक्ट मार्केट में कोई और सेलर ना बनाता हो, क्योंकि अगर कोई और सेलर बनाएगा तो वो तो पहले ही लो प्राइस में बेच रहा है ड्यू टू कॉम्पिटिशन, तो आप ज्यादा प्राइस में तो बेच नहीं सकते. डिमांड शुड बी इन इलास्टिक, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं होनी चाहिए, आप ही का प्रोडक्ट लेना है उसको. कंपनी मस्ट बी एबल टू मेंटेन द यूनिकनेस फॉर सम टाइम. अब एक इनोवेटिव प्रोडक्ट तो ले आए मार्केट में, अब वो इनोवेटिव प्रोडक्ट सिर्फ उन्हीं के पास होना चाहिए अगले कुछ टाइम तक, तभी तो प्रॉफिट्स कमा पाएंगे. ये ना हो ना कि एक दिन मैंने आज एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया और कल मेरा कंपेटिटर सेम प्रोडक्ट ले आया, फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल प्राइस स्कीमिंग आपकी. चौथा सबसे जरूरी बात, आप प्राइस उन्हीं से तो ज्यादा चार्ज करेंगे जो देने लायक होंगे. द प्रेजेंस ऑफ अपर क्लास मार्केट सेगमेंट हु कैन पे हाई प्राइजेस, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन या लिमिट प्राइसिंग. पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है, मतलब किसी मार्केट में घुसना. अब एक नया जो कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल एक नई फर्म है, देखो इतने दिग्गज बैठे हैं, अब एक नए फॉर्म को कैसे प्राइजेस चार्ज करने पड़ेंगे कि ये एंटर करे मार्केट, बहुत लो प्राइजेस. यस राइट, तो हेयर अ लोअर इंट्रोडक्टरी प्राइस इज चार्ज टू कैप्चर द लार्ज मार्केट शेयर एंड लीव वेरी स्मॉल शेयर फॉर द कंपेटिटर्स. दिस इज डन. अब ये क्यों किया जाता है, सो दैट आपकी मोनोपोली आ जाए. कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको, रिलायंस जियो, राइट. इट इज डन टू डिसकरेज द एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स. अच्छा एक और चालाकी होती है यहाँ पे, इतना लो प्राइस चार्ज कर लोगे ना तो ना आपके जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, जो सोच रहे होते हैं कि हाँ इस मार्केट में है, वो कहेंगे यार इतना तो प्राइस मिल नहीं रहा है, प्रॉफिट तो क्या ही हो रखा, छोड़ो इस मार्केट में नहीं हम आते. तो ये चालाकी है यहाँ पे जो करते हैं, प्रेजेंटिंग द बिजनेस एज अनअट्रैक्टिव एंड नॉन प्रॉफिटेबल सो दैट कोई और आए ही ना मार्केट में. अब यहां पर भी आपकी चार कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए. सबसे पहले क्लोज सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, मतलब ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होगा ना फिर मैं आऊंगा बहुत ही लो प्राइस चार्ज करूंगा और अपना प्रोडक्ट बेच के मार्केट शेयर कमा लूंगा बहुत बड़ा. तो क्लोज सब्स्टिट्यूट बोलते होने चाहिए. डिमांड बहुत इलास्टिक होनी चाहिए, मतलब जिस ने प्राइस कम कर दिया चार्ज उसके पास कंज्यूमर भाग गया. हाई कॉम्पिटिशन होना चाहिए. फर्म्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड. अब देखो जब रिलायंस डियो सिम्स लेके आया था तो उसने 100 सिम्स तो बनाए नहीं होंगे, उसने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी रखी होगी अपनी, राइट. इनको मैन्युफैक्चर किया होगा क्योंकि एकदम से जब डिमांड इतनी बड़ी तो उस डिमांड को मीट करने के लिए उतनी सप्लाई भी होनी चाहिए, उसके हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी अकॉर्डिंगली सेट होनी चाहिए. पीक लोड प्राइसिंग की तो सबसे प्यारी है पीक लोड प्राइसिंग. देखो आप बहुत रिलेट करोगे इससे अपनी डे टू डे लाइफ से. इट इज डिमांड बेस्ड प्राइसिंग बिकॉज कंपनीज चार्ज प्राइसेस अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स. डिमांड इज हाई इन पीक टाइम या पीक सीजन. पीक टाइम या पीक सीजन में जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है तो ज्यादा प्राइस करते हो, ऑफ सीजन में या ऑफ पीक टाइम में कम होती है तो कम प्राइसेस. अच्छा मूवीज कौन कौन देखने जाता है, जब वीकेंड्स पे जाते हो या इवनिंग्स में जाते हो मूवीज देखने, क्योंकि तब डिमांड ज्यादा होती है, सबको छुट्टी होती है, तब बच्चों को छुट्टी होती है, ऑफिस वालों को छुट्टी होती है, तो तब डिमांड ज्यादा होती है ना तो प्राइस ज्यादा होता है. नोट करना हमेशा ये बात, पीवीआर में जाओगे कहीं भी नोट करना, डिमांड ऑफ मूवी टिकट्स इज मोर ड्यूरिंग वीकेंड्स, हेंस प्राइसेस आर ऑल्सो चार्ज्ड हायर ड्यूरिंग दैट टाइम. राइट तो ये तो सबसे प्यारी प्राइसिंग है. और इससे क्वेश्चन आता है बंडल प्राइसिंग. बंडल क्या क्या मतलब होता है, बंडल मतलब कॉम्बो बेसिकली. बंडलिंग मींस कंपाइलिंग टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स को जब आप कंपाइल कर देते हो और उसको एक प्रोडक्ट बना के बेचते हो. अच्छा जब मूवी ही देखने जाते हो तो याद है जो आपको कॉम्बोज मिलते हैं बाहर, पॉपकॉर्न के साथ एक हॉट डॉग और पेप्सी, है ना, तो वो है होती है बंडल प्राइसिंग.
द कंपनी प्राइजेस द कंप्लीट बंडल एज अ सिंगल प्राइस. अब ये नहीं कहता कि इसमें से ये इतने की है, ये इतने की, ये इतने की, नहीं, वो एक ही प्राइस डिस्प्ले करता है कि ये कॉम्बो का ये प्राइस है. ठीक है. टाइप्स ऑफ बंडल प्राइसिंग, प्योर बंडलिंग एंड मिक्स्ड बंडलिंग. प्योर बंडलिंग क्या होती है? प्रोडक्ट्स इन अ बंच आर स्ट्रिक्टली नॉट अवेलेबल इंडिविजुअली. अब फोन है ना, फोन की जो स्क्रीन होती है, राइट, तो अब फोन भी छोड़ो, अब कार लेने जाते हो, है ना, तो कार के साथ आपको कार के टायर्स भी तो मिलते हैं. अब ये तो नहीं कहते ना कंपनी की सिर्फ हम आपको कार देंगे, टायर्स आप बाहर से खरीद लेना, नहीं. प्योर बंडलिंग का ये एक एग्जांपल है. मैं चाहती हूँ जितने बच्चे सुन रहे हैं वो प्योर बंडलिंग का एक और एग्जाम्पल मुझे बताएं इन कॉमेंट्स. ऑलराइट. मिक्स्ड बंडलिंग क्या होती है? इन अ बंडल, अब एक ऐसा बंडल है जिसको आप सेपरेटली भी बेच सकते हो, लेकिन फिर हाँ थोड़ा सा प्राइस ज्यादा चार्ज हो जाएगा. एग्जाम्पल, वैल्यू मील्स एट रेस्टोरेंट्स, ये बंडलिंग का है. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, ये क्या होती है? देखो, द प्राइसिंग इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर्स मेंटली. साइकोलॉजिकल का क्या मतलब है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू माइंड. स्लाइटली लो प्राइस आप कोट कर देते हो और कंज्यूमर के माइंड, जैसे ना 200 रुपए को छोड़ के मैं 199 का प्रोडक्ट बेचूंगा, तो कंज्यूमर देखते ना उसको ये 1 दिखता है कि मतलब 1 की लाइन में है, ये 2 तक नहीं आया, राइट. तो ये होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. ओके. अब देखो मैं आपको बंडल और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बताती हूँ. अब जैसे ये है बर्गर किंग, अब यहाँ पे आपको जो भी है, ये क्रिस्पी वेज है, ये 2 मिलते हैं 59 के. अब ये 60 रुपीज है बेसिकली, लेकिन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग 59 के, ये 79 के. ऑलराइट. आप ना रोज फेस करते हो ये सारी चीजें. एंड बंडल प्राइसिंग क्या होती है? जब इनके साथ एड फ्राइज एंड पेप्सी एट जस्ट ₹60, मतलब इनके साथ आपको ये भी मिलेगा, ये बंडल बना दिए ना, तो दिस इज बंडल प्राइसिंग. ओके. आगे देखो, इंटरनेट प्राइसिंग क्या होती है? द डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स फॉर इंटरनेट सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट आर एज फॉलोज. अब इंटरनेट प्राइसिंग में भी 3 होती हैं, प्रायोरिटी प्राइसिंग, फ्लैट रेट प्राइसिंग और यूसेज सेंसिटिव प्राइसिंग. रुको, लेट मी चेंज द कलर. ओके. द प्राइस इंक्रीजेज विद द क्वालिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस. बेसिकली क्वालिटी, जितना अच्छी क्वालिटी का होगा आपका इंटरनेट, है ना, उतना ही ज्यादा प्राइस चार्ज होगा. सिंपल. फ्लैट रेट प्राइसिंग क्या होता है? कंज्यूमर इज चार्ज अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अवेलिंग द इंटरनेट सर्विसेज फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. अब आप पैक्स डलवाते हैं फोन में, तो जैसे 1 महीने का इंटरनेट प्राइस का आपका इतना रुपए का मिलता है, तो चाहे आप उतना, जैसे अनलिमिटेड का इतना प्राइस है, तो आप उतना करें यूज, उतना ना करें, लेकिन फ्लैट रेट आपको देना ही पड़ता है. नेक्स्ट आता है यूसेज सेंसिटिव प्राइसिंग. सबसे पहले आपको ना यहाँ पे जो प्रोवाइडर, जैसे आप वाईफाई लगवाते हो आप घर में, तो सबसे पहले जो कनेक्शन लगाता है वाईफाई के, उसके प्राइजेस होते हैं, और उसके बाद जो उसकी यूसेज होती है उसके प्राइजेस होते हैं. तो प्रोवाइडर चार्जेस फॉर दी सर्विस कनेक्शन फर्स्ट, जो उसने वाईफाई लगाया है, और उसके बाद उसके जो यूसेज के प्राइजेस हैं, जो हर महीने बिल आता है, वो भी होता है. ये दिस कम्स इन यूसेज सेंसिटिव प्राइजिंग. जियोग्राफिक प्राइसिंग, अच्छा हमने कितना देखा होगा हिली एरियाज में जो रहते हैं, जो ब्रेड होती है ना, वो हिली एरियाज पे थोड़ी सी 1-2 रुपए महंगी मिलती है, राइट. दिस इज जियोग्राफिक प्राइसिंग. प्राइस ऑफ ब्रेड इज मोर एक्सपेंसिव इन हिली एरियाज. टॉकिंग अबाउट डिस्काउंट प्राइसिंग, अच्छा डिस्काउंट देते हो, जैसे कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है ना. अब 10 रुपए की चीज डिस्काउंट पे दे रहे हो तो वो 9 रुपए की बन जाती है, 8 रुपए की बन जाती है. तो ये है अदर मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग फॉलो करना है, तो उस अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी चेंज होगा. एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग. फाइनली, एज पर द इंडियन इकोनॉमिस्ट लाइक एल के झा एंड मैलकम, ये जो भी है इनका नाम, आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस, सॉरी फॉर दैट. एडमिनिस्टर्ड प्राइस इज वन विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट and not allowed to be determined by free play of market forces like demand and supply. Administer कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? Government करती है, right? Features क्या है? They are fixed and legally enforced. कोई भी चीज़ जो government करे वो legal होती है, fixed and legally enforced by government. Second, regulatory in nature, meant for corrective measures.
करेक्टिव मेजर्स कैसे, अगर कोई चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा प्राइस हो जाता है ना जब किसी चीज़ का, तो ऐसे हमारा मतलब हमारे जहाँ हम रहते हैं तो एक ऐसा स्ट्रेटा है जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले करती है कि आप इतना प्राइस नहीं, आप MRP इतना होना चाहिए, तो उस हिसाब से राइट। सो दीज वर दी अदर मेथड्स ऑफ प्राइजिंग। आई होप द कॉन्सेप्ट आर क्लियर। राइट नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइजिंग, एडमिनिस्टर प्राइजिंग। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये मैंने आपको बताया, बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल गुड्स एट चीपर प्राइजेस। डिसकरेज कंजम्पशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, अब एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू कर्ब कंजम्पशन। अब कभी कभी ना पेट्रोल का प्राइस आपका ज्यादा चार्ज हो जाता है सो दैट आपकी कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाए। दूसरी तरफ एनकरेज कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स, फूड आइटम्स। अब फेयर प्राइस शॉप्स का आपने नाम सुना है, अब वहां पे ना सस्ते मिलते हैं ठीक है, क्योंकि वहां पे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो वहां पे दिए जाते हैं। तो टू इनकरेज कंजम्पशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल प्राइजिंग। देखो ये एक और प्राइजिंग का नाम आपने देखा, डुअल प्राइजिंग। तो दिस इज 22nd मेथड ऑफ टुडेज क्लास ऑफ प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज। ऑलराइट, सो दीज वर द मेथड्स ऑफ विच इंक्लूडेड कॉस्ट बेस्ड, मार्केट बेस्ड एंड अदर्स, एंड देर वर इन टोटल 22 मेथड्स। आई रियली होप यू इंजॉय टूडेज क्लास। इन केस यू डिड, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड वील मीट सुपर सून इन द अपकमिंग वीडियोज। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, आई मेड अ कंप्लीट मैराथन ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स ठीक है, UGC नेट पेपर के रिलेटेड है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डू चेक इट आउट, इट हैज गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस, एंड आई होप इट विल मीट योर नीड्स ऑल्सो। आपको जो जो चीजें नहीं समझ आती वहां पे आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे बहुत ईजी भाषा में। तो अवेल द बेनिफिट्स, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी पूरी की पूरी PDF फ्री में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विच इज रीमा नैयर यहाँ पर भी मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू सर्च इट आउट, इन केस यू आर अनेबल टू जस्ट टेल मी एंड आई विल शेयर इट विद यू। राइट, थैंक यू सो मच गाइज, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।